नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बारिश, बाढ़ और राजधानी दिल्ली, मां कवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। तो लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से दिल्ली बेहाल है। तीन दिनों से पानी में डूबी हुई है देश की राजधानी दिल्ली। बेशक से यमुना की नदी का जल स्तर थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हुआ हो, लेकिन दिल्ली वासियों की परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ बापू का नाम रह गया है। जिस राजघाट में राष्ट्रपिता की समाधि बनी है, उसे पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। आज सुबह जब दिल्लीवासी मॉर्निंग वॉक के लिए राजघाट पार्क पहुंचे, तो उनसे पहले ही यमुना का पानी वहां घुसपैठ कर चुका था। इस वक्त मैं खड़ी हूँ राजघाट में, और अब यहाँ की अगर तस्वीरें देखें तो सामने ये राजघाट का गेट है और पूरा ये इलाका पानी में जलमग्न हो चुका है। ये देखकर कहना कि ये राजघाट है बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये राजघाट इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुका है। आसपास काफी लोग भी हैं। सामने आप देखें तो पेड़ भी और जो राजघाट की बाउंड्री है वो भी पूरी की पूरी जलमग्न हो चुकी है। राजघाट में बापू की समाधि के मेन गेट पर पानी पहरा दे रहा है और इतना गहरा है कि जब एबीपी न्यूज रिपोर्टर मेघा उपाध्याय राजघाट की सड़क पर रिपोर्टिंग कर रही थी, तो वो भी आधे पानी में नजर आने लगी। खुद मुझे देखकर भी ये समझा जा सकता है कि मेरी कमर तक इस वक्त पानी है। जल समाधि ले रहे राजघाट के इस हाल की वजह है उफान पर बह रही यमुना। राजधानी में कल यमुना रिकॉर्ड जल स्तर पार कर गई, जिससे राजघाट में भी जल भराव हो गया। जिस राजघाट में दुनिया भर के राजनेता बापू को शीश नवाने आते हैं, वहां आज बोट चल रही थी। राजघाट में बापू की समाधि के नजदीक पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के समाधि स्थल शक्ति स्थल और अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल स्मृति स्थल पर भी यमुना का पानी घुसपैठ कर चुका है। तो देखा आपने, बापू की समाधि ने यमुना की नदी में समाधि ले ली। जल प्रलय की स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और अलग अलग जगहों पर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। अभिषेक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है और वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो आपको ताजा हालात बताएंगे, इंद्रप्रस्थ इलाके में वो इस वक्त मौजूद है। वीरेश जी, बताएं क्या आप अपनी आंखों से वहां पर देख पा रहे हैं, क्या स्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं या और बेकार होती जा रही हैं? देखिए, दिल्ली के बाढ़ के हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इनके संरक्षक दिल्ली जल का है और ये फ्लो है वो ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। सेना के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं और खुद विनय कुमार सक्सेना जो संरक्षक हैं दिल्ली के, जिनके भरोसे दिल्ली है, वो यहाँ पर चकचकी लगाकर सेना के किए हुए काम को देख रहे हैं। खुद आप अपने टेलीविजन विनय कुमार सक्सेना जो एलजी हैं उनको देख सकते हैं, किस तरीके से शांत मुद्रा में खड़े होकर सेना के जवानों को देख रहे हैं। और ये फ्लो देखिए, ये करंट देखिए, ये पानी का प्रवाह कहानी बता रहे हैं, नहीं वो वहाँ की दास्ता को बयां कर रही है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, आपको दिल्ली के यमुना विहार इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके सामने पीने की ज्यादा बेबसी की बात। ये दिल्ली है, देश की राजधानी। यमुना का ऐसा कहर जहां लोग घरों में कैद होकर रह गए, ना खाने को खाना है ना पीने को पानी। एनडीआरएफ की टीम की मदद से घरों में फंसे लोगों तक कुछ इस तरह से पानी पहुंचाया जा रहा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मदीहा खान सुबह एनडीआरएफ की बोट से यमुना बाजार के प्रियदर्शनी कॉलोनी में पहुंची थी। ये वहीं की तस्वीर है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर बोट के साथ आई है। यहां लोकल लोग कुछ साथ में हैं जो बाल्टी में पीने का पानी दे रहे हैं। और ऊपर देखिए जरा, मासूम चेहरे, मासूम बच्चे, कॉलियों में, घरों में पानी है और यहाँ पर खाने पीने की समस्या, इसी वजह से लोग ऊपर से बाल्टी डाल रहे हैं। प्रियदर्शनी कॉलोनी में ग्राउंड फ्लोर तक पानी भरा हुआ है, लिहाजा लोग परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर चले गए हैं। जो फंसे हैं उन्हें एनडीआरएफ की टीम बोट से निकाल रही है। कॉलोनी के गेट पर हमारी मुलाकात एक महिला से हुई। सवाल पूछते ही दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। सरकार तो खाली मुंह देख के चली जा रही है, बस दूर से देख देख के जा रही है।
ना कुछ खाने को, ना पानी है, ना कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है। बोर्ड मांगने के लिए सब आ जाते हैं। ये देश की राजधानी की कहानी, भारत का भविष्य पानी में खड़े पिता के कंधे पर बैठकर यही सोच रहा होगा कि क्या यही मेरा भविष्य। तो आप जो दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर वाकई हृदय को कपा देने वाली तस्वीर है। और आपको इसके बारे में और भी जानकारी देंगे, हमारे साथ में पूजा जुड़ी हुई है, हमारे साथ में दिश्री जुड़ी हुई हैं। इन दोनों के जरिए आपको दिल्ली की अलग अलग तस्वीर रखेंगे। लेकिन पहले चलते हैं बिलाल के पास, जो ITO बैराज के पास इस समय मौजूद हैं, और ये वो जगह है जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बिलाल, क्या अपडेट है वहाँ का? देखिए अभिषेक, आपको बताना चाहूँगा कि अभी से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो इस ITO बैराज का दौरा करके जो है वो निकले हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है वो तकरीबन 10 मिनट का वक्त गुजारा, और निरीक्षण करने के बाद जो है वो उनके साथ में जो जल संसाधन मंत्री हैं दिल्ली के, सौरभ भारद्वाज, वो भी मौजूद थे। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो यमुना है, जो कि अभी तक जीवनदायिनी मानी जाती थी, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली के लोगों के लिए किस तरीके की अजियत, किस तरीके की परेशानी लेकर के आई, उसकी एक बानगी, उसकी एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कि जो आगे के जो गेट है वहां से यमुना का पानी तो जा रहा है, लेकिन जो जिस चीज का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर आए थे वो यही वो पांच गेट है जिन पे अभी भी काम चल रहा है। मेरे कैमरा पर्सन लक्ष्मी प्रसाद से मैं कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर जो हरियाणा सरकार के जो प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उनकी मदद से जो है वो यहाँ पर जो गेट खोलने का काम है वो किया जा रहा है। गेट खोलने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि कल रात 12:30 बजे से कई मजदूर, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी की जो इंजीनियरिंग कोर है वो भी इस ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। यानी कि अभिषेक जी, इस बात को समझिए कि पाँच में से एक गेट भी जो है वो अभी तक नहीं खोला जा सका है, और इसके बाद चार गेट अभी और खोलने हैं, और पहले गेट खोलने में ही जो है वो इस कदर की परेशानी जो है वो सामने आ रही है। इसकी वजह यह है कि गाद, जो गंदगी है, जो गाद है, वो गेट के चारों ओर जो है वो जम चुकी है। और जो यहाँ पर जो सुपरवाइजर है, हमने उनसे बात करी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो गाद है उसकी देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के जिस जगह पर मौजूद हूँ ये पुस्ता रोड है, कैलाश नगर और पुस्ता रोड का ये रास्ता है, और सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी CK सिंह दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है, जो बाढ़ की स्थिति खत्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, विकराल होती जा रही है। लेकिन सबके बीच जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली वालों के लिए वो है जाम की, ट्रैफिक जाम की। जगह जगह जहां पर कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं वहां पर भी इसी तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है और ट्रैफिक बेहद स्लो है। मैं चूँकि मयूर विहार से होते हुए इस वक्त मैं पुस्ता रोड की तरफ जा रही हूँ, और हालात अब और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, बदतर स्थिति, और इन सबके पीछे बड़ी वजह है कि ट्रैफिक। और आप समझिए कि ITO जैसा व्यस्ततम चौराहा भी इस वक्त ट्रैफिक की वजह से घिरा हुआ है। दिल्ली में न सिर्फ बाढ़ की वजह से हालात ख़राब है, बल्कि उसके बाद जो आप कह लीजिए कि रेपरकशंस हैं वो एक ट्रैफिक के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है, और इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको कैमरे के ज़रिए तस्वीरें दिखा सकूँ कि किस तरीके से पानी जो है अब धीरे धीरे सड़कों पर अब आ रहा है। बिल्कुल निधि, तस्वीरें आपने दिखाई, जो वो तस्वीरें वाकई हैरान परेशान कर देने वाले, वापस से आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, लगातार अभिषेक भी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, निधि भी आपको दिखा रही है कि क्या हालात बने हुए हैं। मेरे आसपास भी आप देख सकते हैं जल प्रलय जैसी स्थिति, हर तरफ पानी पानी, और जैसा कि जिक्र निधि ने किया लाल किले का, और तस्वीरें भी लगातार ABP न्यूज ने आपको दिखाई। अब लाल किले पर पानी भरा होने की वजह से ट्रैफिक किस तरीके से चरमरा गया है, वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था की क्या स्थिति है वहां पर, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुगल काल में जिस जगह से यमुना दिल्ली में बहा करती थी, आज यमुना अपने अतीत से मिलने वहां पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें लाल किले के पीछे की दीवार से सटे इलाके की हैं, जहां यमुना का पानी भर चुका है। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें बता रही हैं कि यमुना का कहर कितना भयानक है। कल सुबह से ही इस रोड पर पानी भरना शुरू हो गया था। कल के पानी का लेवल और आज के पानी का लेवल देखकर आप यमुना की विभीषिका का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस रोड पर 5 फीट से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। पुल के नीचे तो पानी का लेवल और ज्यादा है। इस रोड पर आवाजाही कल से ही बंद है।
कब तक बंद रहेगा पता नहीं। ये लाल किले का वो इलाका है जहां पर कल तेज रफ्तार से यमुना से आता हुआ पानी सड़कों पर भर गया, पूरी तरह से आउटर रिंग रोड बंद हो गया। कश्मीरी गेट बस अड्डे के आगे पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। लाल किले के अंदर भी पानी घुसने की खबर है। एहतियात के तौर पर कल ही लाल किले को बंद करने का फैसला कर लिया गया था। लाल किले से इंडिया गेट की तरफ बढ़ेंगे तो यमुना बाजार से लेकर राजघाट के आसपास के तमाम इलाके डूबे हुए हैं। आईटीओ का भी बुरा हाल है। ये आईटीओ है दिल्ली का सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण चौराहा, और वहाँ ये जो दृश्य है ये पानी है ठीक डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके सामने का ये दृश्य है। दिल्ली के विकास के प्राधिकरण के लिए बनाया हुआ ये अट्टालिका ये मंजिल मुंह चिढ़ा रहा है सामने यहाँ की जो दुर्व्यवस्था है। आईटीओ पर पानी भरने की वजह से जाम की स्थिति सुबह शाम बनी हुई है। पानी कब उतरेगा किसी को नहीं पता। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए कि परिस्थितियां किस तरीके से और खराब होती जा रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जैनेन्द्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आईटीओ से। जैनेन्द्र, आप आईटीओ में इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर कल मैं गई थी और मैंने वहां खुद देखा कमर तक पानी था, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। क्या कल और आज की स्थिति में कुछ अंतर आप देख पा रहे हैं, कैसा अंतर है वो बताएं। देखिए पानी कुछ कम जरूर हुआ है लेकिन पानी अभी भी बदस्तूर जमा है, और ये जो आईटीओ का चौराहा है और ये जो सड़क है ये विकास मार्ग कहते हैं, और विकास की जो तस्वीर ये दिख रही है वो जाहिर सी बात है शर्मसार करने वाली है देश के लिए। आज जहां एक तरफ गौरव का दिन है, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है, तो वहीं देश की राजधानी कुछ इस तरीके से विवश है। जहां पर हम खड़े हैं यहां पर बहुत सारे लोग हैं। मनोज जी जरा लोगों से हम बात करते हैं, लोगों से ही जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को, क्या कहना चाहेंगे, कैसे यहाँ पे आप फंसे हुए हो? नहीं, हम तो घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, देखने आए हैं पानी कितना है। हम तो आप घूमने आए, आपको कहाँ जाना है? आनंद विहार। कैसे जाएंगे आनंद विहार यहाँ से? इसमें से पानी से नहीं है। बिल्कुल जैन, देखिए जो आप तस्वीर बता रहे हैं वो तस्वीरें हम लगातार कह रहे हैं कि यही जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें दिल्ली की सच्चाई हैं। और आपको एक तस्वीर और हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पानी के टैंकर की हम बात कर रहे हैं कि पानी का टैंकर जब आता है तो लोग दौड़ पड़ते हैं। दिल्ली का मयूर विहार जहाँ पर मैं हूँ यही यहाँ पर यही तस्वीर लोगों की नियति बन चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। टैंकर के पहुंचने की खबर मिली और लोग हाथों में गैलन बोतल लेकर दौड़ पड़े। बाढ़ में डूबी दिल्ली की ये भी एक तस्वीर। राजधानी के मयूर विहार इलाके में यमुना का पानी घुस चुका है जिसकी वजह से लोग सड़क पर डेरा डाले हुए हैं। सुबह जैसे ही पानी का टैंकर पहुंचा लोग टूट पड़े। यूं तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पीने की पानी की अब भी किल्लत है। एक वाटर टैंकर पहुंचा है दिल्ली जल बोर्ड का, लेकिन होड़ बची है पानी भरने की, क्योंकि पानी पीने का इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अजीब संकट है, एक तरफ आधी दिल्ली पानी में डूबी है और दूसरी ओर लोगों के सामने पीने के पानी की परेशानी है। राजू हो या रजनी, सबका कष्ट एक सा है। अब पानी की पेश नहीं पड़े, पूर्ति नहीं हो, चक्कर लगाते रहेंगे पानी की, तो नहाने की कपड़ा धोने की पानी की दिक्कत हो रही है। यहाँ दिक्कत हो रही है। कब कब पानी आ रहा? शाम से भी आया है। यमुना में बाढ़ की वजह से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े, इसी वजह से आधी दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी है वहाँ खाने पीने के सामान की भी दिक्कत है। क्या स्थिति है फल और सब्जियों? सब्जियाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बाहर से सप्लाई आ नहीं पा रही है। टमाटर भी 240 पार हो चुका है इस समय। सारी सब्जियाँ इतनी महंगी है गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। कष्ट की कहानी जैतपुर से भी आई। हमारे रिपोर्टर दिव्यांकर एक रिलीफ कैंप में पहुँचे तो वहाँ लोगों की अपनी शिकायतें हैं। मोहम्मद असलम नाम है सर। यहाँ रात में जो खाना मिला है ये रोटी मिला है जो कि मवेशी भी नहीं खा सकेंगे। बाढ़ में घर बार छूट गया और रिलीफ कैंप में जिंदगी जीने को अब लोग मजबूर हैं। हाल क्या है ये देश देख रहा है।
तो बारिश, बाढ़ और बेहाली की हर तस्वीर दिल्ली में कैसी है वो हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन बाढ़ की विभीषिका ये केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। आपको मालूम है जो दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है वहां पर बेजुबान जानवर तक खाना बदोश हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर पानी का सैलाब और इस सैलाब का स्तर इतना ज्यादा कि वहां मौजूद गायों का सिर्फ सिर नजर आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कई गायें पानी के इस प्रकोप से बचने की जद्दोजहद में आगे बढ़ रही। पानी से जूझते इन बेजुबान जानवरों की तस्वीर बाढ़ की विभीषिका बयां कर रही है। पानी में फंसी गायों की ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 137 की बताई जा रही है, जहां वजीदपुर गांव में पानी ने घुसपैठ कर दी, जिसकी चपेट में गांव में मौजूद एक बड़ी गौशाला आ गई। बाढ़ जैसे हालात में कुछ गायों को गौशाला से निकाला गया, लेकिन अब भी 200 से ज्यादा गायें और बछड़े गौशाला में फंसे हैं। अब भी 200 से ज्यादा गाय अंदर मौजूद हैं। आखिर उन बेजुबानों को कैसे निकाला जाएगा? एकाएक हमें तस्वीरें दिखाई दे रही है कुछ गायों की, यहाँ से प्रशासन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात अभी यही बनी हुई है कि 200 से ज्यादा जो मूक जानवर है, गाय है, जो अपना दुख खुद बयां नहीं कर सकती, वो अंदर अभी मौजूद है। यमुना के रिकॉर्ड जलस्तर को छूने के बाद दिल्ली से सटे इलाकों में जलजमाव हो गया। नोएडा के अलावा गाजियाबाद के भी निचले इलाकों में लोगों को बाढ़ जैसे हालात से दोचार होना पड़ा। तो ग्राउंड जीरो से हर वो तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है जो तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दिल्ली में बाढ़ है और लोग बदहाल हैं और इस पर राजनीति भी चरम पर है। वीके सक्सेना से खास बातचीत की है वीरेश पांडे ने, सुनाते हैं। या किसी और तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा काम यह है कि मैं किसी तरीके से जो दिल्ली की जनता को परेशानी हो रही है, बाढ़ में जो लोग फंस गए हैं, जिनके घर डूब गए हैं, उनको किसी तरीके से निजात मिले। राजनीति जिनको करनी हो राजनीति करें। आप मानते हैं ना कि इस समय आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने का वक्त है, दिल्ली को सुरक्षित करने का वक्त है? इसमें कोई शक नहीं, जब कभी भी कोई त्रासदी हो तो सबसे पहली ड्यूटी होती है कि हम सब। तो एलजीवी के सक्सेना को आपने सुना, कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि मिलकर काम करना चाहिए। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतने। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।